बनाइए किसी दिन घर में, देखना घर वाले आपके तारीफ करते नहीं थकेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? रिम्स इजी कुकिंग रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग डेविल की रेसिपी। एग डेविल कलकत्ता की एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, लेकिन एक बार इसे आप घर में बनाएंगे ना तो कभी आपको बाहर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरीका बिल्कुल सिंपल है और इसे आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो एक डेविल बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून तेल ऐड किया है और तेल गरम हो जाए तो डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। प्याज फ्राई हो जाए तो डाल देंगे बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1-2 मिनट के लिए अदरक लहसुन को फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। लो फ्लेम में सारे मसालों को मिक्स करते हुए पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए। तो मसाले अभी कुक हो गए हैं और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अभी आलू को मैश करते हुए मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 बड़ी साइज आलू लिया है मैंने। अच्छा, मैंने आलू को प्रेशर कुकर में उबाल लिया है, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और थोड़ी बहुत मॉइस्चर अगर आलू में रह भी गए ना तो जब आप इसे पकाएंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अभी कोटिंग के लिए एक मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और पानी डालकर इसका एक पतला घोल हम बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, तो अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इसे साइड में रखते हैं और इसी के साथ मैंने लिया है कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स और साथ ही 4 उबले हुए अंडे लिए हैं मैंने और इसे हाफ कर लिया है। और इधर हमारा आलू का मिक्सचर भी ठंडा हो गया है, अभी हम इसे असेंबल करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा करके आलू के मिक्सचर को लेकर अंडे को चारों तरफ अच्छे से कवर कर लेना है और हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा तो ये मिक्सचर आपके हाथों में चिपकेगी नहीं। एक डेविल बना रहे तो इसे मैं अंडे के शेप में ही बना ले रही हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से बाकियों को भी बना लेंगे। पहले इसे ब्रेड क्रम में एक बार कोट करेंगे और उसके बाद इसे कॉर्नफ्लोर मिक्सचर में डालेंगे। और मिक्सचर में डालने से पहले मिक्सचर को एक बार मिक्स कर लीजिएगा और फिर से इसे ब्रेड क्रम्स में डालकर कोट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से बाकियों को भी कोट कर ले। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, इसे हम मीडियम हीट में अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छा, अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो कोट करने के बाद एक एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप घर का ही बना हुआ एक डबल मेहमानों को खिला सकते हैं और बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शाम के चाय के साथ ये एक जबरदस्त स्नैक्स है और अगर इसे आप स्ट्रीट स्टाइल खाना चाहते हैं तो इसे सर्व कीजिए थोड़ा सा सलाद और केचप के साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी कुकिंग।